नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं कुसुम। मेरे किचन कुक विथ गुड मूड में आपका स्वागत है। आज मैं एक स्पेशल डिश लेके आई हूं जो आप लोग को बहुत ही अच्छी लगेगी। होली के त्यौहार में मीठे खाते खाते आपके मन थोड़ा सा उब गया होगा, तो ये चाट आप बनवा कर ज़रूर खाइए, आपको बहुत ही अच्छी लगेगी और हेल्दी भी है। तो चलिए हमारे किचन में और इसे बनाने के लिए मैं स्टार्ट करती हूँ। तो इसके लिए मैं मैदा ली हूँ, आप इसके जगह पे गेहूँ के आटे भी ले सकते हैं। ये 300 ग्राम है, सूजी है 100 ग्राम, अजवाइन और मंगरेला ये मैं हाथ पे रगड़ के रखी हूँ, ये एक चम्मच है, बेकिंग सोडा है 2 चुटकी भर, और फिर मैं नमक भी ली हूँ स्वाद अनुसार। तो मैं सारे चीज़ों को मिक्स कर देती हूँ। पहले मैं मैदा ले ली हूँ, सूजी फिर डाल देती हूँ, अजवाइन मंगरेला फिर डाल देती हूँ, इसके बाद मैं बेकिंग सोडा डाल देती हूँ, ये खान नमक है, नमक भी स्वाद अनुसार मैं डाल देती हूँ। फिर मैं इसमें 50 ग्राम लगभग रिफाइन ऑयल डाली हूँ, आप घी भी डाल सकते हैं इसके बदले। ऐसे मैं अच्छे से मिला लेती हूँ। अच्छे से मिलाने के बाद मैं इसे चेक कर लूँगी कि ये अच्छे से बंधा रहा है कि नहीं। यदि बंधाएगा तो ये अच्छे से मोयन पड़ गया है। अब मैं इसे गुनगुने पानी में सान लूँगी। गूँथने के बाद मैं इसे 10 से 15 मिनट तक ढक के छोड़ दूँगी। इसे ना खूब टाइट सानना है और ना नरम, ये मीडियम में रहेगा। मैं इसे 10 से 15 मिनट ढक के छोड़ देती हूँ। अब इसके बाद मैं पूरी जैसा इसे बेल के इसे मैं छोटे छोटे पीस में काट लेती हूँ। पहले मैं सारे को काट के रख लेती हूँ, फिर मैं इधर तेल भी गरम करने के लिए रख दी हूँ। अब मैं इसे फ्राई कर लेती हूँ। तेल ज़्यादा हीट नहीं होना चाहिए, ये मीडियम ही रहेगा। अब मैं फ्लेम को लो कर दूंगी और धीरे धीरे मैं इसे फ्राई करूंगी। इसको फ्राई करने में 5 से 7 मिनट लग जाएंगे। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। इसी तरह से मैं सारे नमक पारे को फ्राई कर लूँगी। और मैं सारे मसाले ले लेती हूँ। इसमें मैं काला नमक, सादा नमक, फिर थोड़ी सी भुजिया रखी हूँ, आलू भुजी, फिर मिर्ची पाउडर, जीरा पाउडर सब है इसमें जो चाट में डाले जाते हैं। इसमें मैं 2 चम्मच नमक पारे डाल ली हूँ, और इसमें बॉईल किया हुआ ये चना और मटर है, मैं इसे भी डाल लेती हूँ। ये बहुत ही हेल्दी है, आपके बच्चे भी बहुत पसंद करेंगे। अब मैं इसके ऊपर से थोड़ा प्याज डाल देती हूँ। फिर टमाटर चॉप किया हुआ, ये ऑप्शनल है, आपको यदि पसंद आता होगा तो डालिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। फिर इसमें खट्टी मीठी चटनी में डाल दी हूँ। उसके बाद मैं नमक डाल देती हूँ, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल देती हूँ,
तीखा पसंद है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो इसको भी स्किप कर सकते हैं। फिर सादा नमक डाल दी हूँ। इसके बाद मैं बॉयल आलू भी रखी हूँ। ये हरी चटनी है, हरी चटनी भी थोड़ा सा मैं डाल देती हूँ। थोड़ी सी इसमें धनिया पत्ती भी मैं डाल दी हूँ। इसके बाद मैं बॉयल आलू रखी हूँ, इसको मैं मीठी चटनी में डिप करके इसे चारों तरफ से मैं थोड़ा सा सजा लेती हूँ। आप इसे छोटे छोटे पीसों में भी काट के डाल सकते हैं। ऊपर से मैं फिर थोड़ा सा मीठी चटनी डाल देती हूँ। देखिए मेरा चाट बन के तैयार हो गया है। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखिए देखने में ही बहुत खूबसूरत लग रहा है, मैं फिर से बोलूँगी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।